आज की क्लास में हम लोग 16 नंबर से सवाल देखेंगे ना। 16 नंबर का आकृति दिया गया है, आकृति बनाइए। सोलह में सवाल कह रहा है एक समलंब PBCQ यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं QC तथा PB में 7:5 का अनुपात है, यानी यह QC 7x होगा और यह PB जो है वो 5x होगा। तो कह रहा एक आयत ABCD में से काटी गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यानी कि ABCD में एक समलंब चतुर्भुज काटा गया है। यह कह रहा है, कह रहा यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/3 भाग है तो भुजाओं QC तथा PB की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, माना कि समलंब चतुर्भुज PBCQ की समांतर भुजाएं QC बराबर 7x और PB 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का मतलब गुना 4/7 भाग, 4/7 भाग। तो यहां से लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग 7x प्लस 5x गुना ऊंचाई हो जाएगा 5 बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई दिया ही नहीं गया है, सीएम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 21 cm इसमें दर्शा देंगे कि ये जो है QC 21 cm है। कौन सा? CD या DC 21 cm है। तो ये आयत का लंबाई हो गया, आयत का लंबाई, तो लंबाई 21 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई 5 अगुना 4/7। इस ढंग से लिखेंगे,
इसमें लंबाई मिसप्रिंट था सवाल में, लंबाई लिखना है पांच से, ये पांच को दोनों तरफ काट देना है। ये एक बट्टे दो अगुना सात पांच बारह एक्स बराबर इक्कीस गुना चार हो जाएगा। इक्कीस गुना चार करेंगे, चार इक्का चार, चार दुना आठ, चौरासी बट्टे सात। ये दो से कट जाएगा, दो छा के बारह, ये कट जाएगा छः से, ये कट जाएगा छः इक्का छः, छः चौके चौबीस, सात दुना चौदह, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा दो, एक्स बराबर दो सी एम। अतः क्यू सी बराबर सात, एक्स बराबर सात गुना दो, क्यू सी बराबर सात गुना दो हो जाएगा आपका कितना चौदह सी एम। और उसके बाद पी बी पांच एक्स, पांच गुना दो बराबर दस सी एम, आंसर हो गया। ठीक है, सोलह नंबर का क्यू सी बराबर चौदह सी एम, पी वी बराबर दस सी एम देना चाहिए, मीटर लिख दिया है, मिसप्रिंट है, मीटर में नहीं है, सी एम में ऊपर दिया गया है, इधर मीटर में आंसर दे दिया, इसका मतलब इसको भी मीटर करना होगा तब ये मीटर होगा। ठीक है, चलिए सोलह नंबर का ऐसे ही बनाना है। अब सत्रह नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है एक समलंब की समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है, अन्य दो भुजाओं 21 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समलंब की आकृति बना लेंगे, ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति हो गया। कर इसमें समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है, तो ये 46 मीटर यहाँ नोट कर देंगे और यहाँ 25 मीटर नोट कर देंगे, ये समांतर भुजा होता है। और फिर इसमें कह रहा है अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा मतलब ए डी और बी सी, 20 मीटर और 13 मीटर दिया है, 20 मीटर और 13 मीटर, 20 मीटर इसको लिख देंगे और 13 मीटर इसको लिख देंगे। और इसका कह रहा है आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले इसमें लिखना है समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, ए बी बराबर 46 मीटर, डी सी बराबर 25 मीटर, ये दोनों समांतर भुजा हुआ, अन्य दो भुजा ए डी 20 मीटर और बी सी 13 मीटर, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखिए, इसमें ना इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच देना है, यहाँ पर ई नाम दे देना है ई, और यहाँ से लंब खींच देना है, यहाँ से एक लंब खींच देना है, लंब खींच देना और यहाँ पर एफ नाम दे देना है। अब यहाँ आकृति को एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, आकृति में क्या कुछ कर रहे हैं। ये टोटल 46 मीटर हुआ, ठीक है, जिसमें ये सी डी अगर 25 मीटर है तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा डी सी बी ई, और यह हो जाएगा हम लोग का 25 मीटर। यह 13 मीटर है तो इसी के समांतर डी ई खींचा गया है, तो यहां लिख देना है ये 13 मीटर होगा। ठीक है,
और यह जो है हम लोग का ये जो आएगा ए ई का मान, ध्यान से देखना ए ई का मान, वो 46 में से 25 को घटा के आएगा, क्योंकि टोटल 46 मीटर दिया है, उसमें से बी ई का मान 25 मीटर हो गया है। तो ये ए एफ का जो मान होगा 46 में से घटा लीजिए 25 को, यह एक होगा और दो, 21 मीटर, यह 21 मीटर हो जाएगा। यहाँ लंब खींचे हैं तो लंब का संकेत दे देना है, यहाँ लिखना है BC समांतर DE खींचा, हाँ इसलिए यहाँ पर DE बराबर 13 मीटर हुआ, ठीक है। और AE का मान लिख देना है, AE बराबर 46 माइनस 25 बराबर 21 मीटर, इतना लिख देना है। अब त्रिभुज ADE में लिखना है, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में A बराबर लिखना है 20 मीटर, B बराबर लिखना है 21 मीटर, C बराबर लिखना है 13 मीटर। अब इसमें S निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई टू, S बराबर A का मान 20 जोड़ 21 जोड़ 13 बटे दो, तो S बराबर हो जाएगा 3 × 4, 2 × 2 = 4 = 5 बटे दो, काट देंगे ये 27 आ जाएगा, 27 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1, यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ मान बैठा करके हल कर देना है, तो ये हो जाएगा एस का मान आया है 27 इंटू 27 माइनस 20 इंटू 27 माइनस 21 इंटू 27 माइनस 13। अब इसको हल कर देना है, 27 गुना 7 गुना 6 गुना 4। अब इसको हल कर देना है, 27 को तोड़ के लिखेंगे 3 × 3 = 9 × 27 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 27 को लिखे हैं 3 × 3 × 3 × 3 = 9 × 27, 7 को 7 ही लिखे हैं, 6 को लिखे हैं 3 × 2 और 4 को लिखे हैं 2 × 2। अब इसमें से वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में एगो 3 निकलेगा, अच्छा 3 चार गो है तो 2 × 3 निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा और 1 × 2 निकलेगा, और रूट अंडर 7 × 2 = 14 रहेगा। सत्ताईस में से, अच्छा यहाँ पर क्या होगा 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 7 × 2, 27 में से 13 घटाए, अच्छा हाँ 7 × 2 = 14 लिखे तो 7 × 2 लिखना पड़ेगा। तो अब क्या निकलेगा इसमें से, 2 × 3 निकलेगा, 7 निकलेगा और 2 यहाँ पर छूट गया है, 3 × 2 लिखना पड़ेगा, 1 × 2, 3 × 3 = 9 × 9 = 18 × 7 कितना होगा, 18 × 7 = 106,
26 126 मीटर स्क्वायर हो गया। ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका निकालना है, ये DF निकालना है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 126 आया है, ठीक ना, 126 लिख देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार AE गुना ऊंचाई DF बराबर 126। तो फिर यहां पर लिखना पड़ेगा 1/2 गुना AE का मान 21 गुना DF बराबर 126। अब देखिए यहां ये 21 से ये 126 कट जाएगा, कितना मर्तबे में, 6 मर्तबे में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये DF जो होगा ये 2 से, ये 2 जो है 6 में जाके गुना हो जाएगा, DF बराबर 2 × 6 यानी 12, या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 बराबर 12 मीटर। तो ये हो गया 12 मीटर जो कि H हुआ, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई हुआ, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा हो जाएगा 46 और 25, 46 जोड़ 25 अगुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आया है 12 मीटर, तो यहाँ 12 लिख देना, 2 से काट देना 12 को, 2 × 6 = 12। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11, 4 × 2 = 6 = 7 अगुना 6, तो 6 × 1 = 6 और 7 × 6 = 42, 426 मीटर स्क्वायर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। 18 नंबर, B से इस पर लंब डाला गया है, ठीक है, और D से इस पर लंब डाला गया, इस ढंग का आकृति में कह रहा है। इस पर मतलब विकर्ण पर, सम्मुख शीर्षों B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाई 3 cm और 5 cm है। B से जो लंब डाला गया ये 3 cm है और ये 5 cm है, तो यहां पर नाम E दे देंगे, यहां पर नाम F दे देंगे, यहां पर लिख देना है S, यहां पर लिख देना है BE लंब AC, ठीक है, तथा DF लंब AC, ऐसा। तब लंब की लंबाई दिया है BE जो लंब हुआ वो 3 cm है और DF जो लंब है वो 5 cm है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर लिखना है एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD का चतुर्भुज, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसके लिए लिखना है 1/2 या ऐसे भी लिख सकते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार AC और ऊंचाई इसका BE गुना 1 प्लस यहां पर 1/2 आधार हो जाएगा इसका भी AC और ऊंचाई होगा DF, तो हो गया 1/2 गुना AC 15
और बी ई पांच, बी ई कितना है तीन ना, तीन प्लस एक बटे दो अगुना ए सी पंद्रह अगुना डी एफ पांच। अब इसको हल कर देना है, पंद्रह तिया पैतालीस बटे दो, अब प्लस पंद्रह पचे पचहत्तर बटे दो, एलसीएम लेंगे दो, पैतालीस जोड़ पचहत्तर पाँच पाँच दस, सात चार ग्यारह एक बारह बटे दो काट देंगे, कितना साठ सी एम स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से सवाल आपका 19 नंबर भी है, ठीक है ना, 19 नंबर में भी ऐसा ही है। कर एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सीएम है, तो एक चतुर्भुज बना लेना है पहले, ए बी सी डी विकर्ण मिला देना है, विकर्ण का रहा 50 सीएम है, 50 सीएम। इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, सम्मुख शीर्ष मतलब यहां से एक लंब डाला गया ऐसे 90 डिग्री, यहां पर ई नाम दिया गया और यहां से एक लंब डाला गया ऐसे, यहां पर एफ नाम देना है 90 डिग्री। लंबों की लंबाई कह रहा है 10 सीएम और 20 सीएम है, तो ये 10 सीएम लिख देना है और ये 20 सीएम लिख देना है, और विकर्ण दिया हुआ है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां लिख देना है चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर 50 सीएम, ठीक है। उसके बाद इसमें लंब की लंबाई, तो पहले लिखना है बी ई लंब खींचा गया है ए सी पर तथा डी एफ लंब खींचा गया है ए सी पर, ऐसा लिख देना है। उसके बाद लंब की लंबाई में हम लोग लिखेंगे बी ई बराबर 10 सी एम और डी एफ 20 सी एम, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ए आर, ए आर मतलब एरिया ऑफ, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी वन बाय टू आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया ए सी ऊंचाई बी ई प्लस एक बटे दो, आधार हो गया ए सी और ऊंचाई हो गया डी एफ, एक बटे दो गुना ए सी 50 बी ई 10 एक बटे दो अगुना ए सी 50 डी एफ 20। अच्छा दो से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, दो पंचे 10 पचे 25 यानी 250, अब प्लस इसको काटेंगे दो से कितना 10, तो इसको काटेंगे तो कितना 500। हल करेंगे गुना करेंगे इसको 50 गुना 10 500, ये दोनों को जोड़ देना है 750 सी एम स्क्वायर आंसर हो गया 19 नंबर का। 20 नंबर की सवाल को समझिए, 20 नंबर में कह रहा है एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 36 मीटर है,
इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है, तो शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सपोज दैट कि ये एक चतुर्भुजाकार, ये एक चतुर्भुजाकार खेत है, ए बी सी डी, ये चतुर्भुजाकार खेत है और इसका विकर्ण को ऐसे मिला देना और कह रहा है इसका विकर्ण है 36 मीटर, 36 मीटर इसका विकर्ण दे दिए। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, यानी यहां से इस पर लंब डालेंगे, ठीक है, लंब फिर यहां से इस पे इस लंब डाल देंगे, यहां ई नाम दे देंगे, यहां एफ, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले लिखना है चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में माना कि बी ई, पहले ऐसे लिख देना चतुर्भुज बी ई लंब ए सी तथा डी एफ लंब ए सी। अब इसका लंबों की लंबाई को अनुपात में दिया है, इसको मान लेंगे, माना कि बी ई बराबर 4x और उसके बाद डी एफ, कितना 5x, तो ये 4x लिख देना, ये 5x लिख देना, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से ही सारा चीज ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर कितना दिया है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 486 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ चतुर्भुज यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 नहीं, पहले शॉर्ट में जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर 486। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार 36 गुना ऊंचाई 4x, डायरेक्ट लिख दे यहां पर 1/2 आधार, 36 और ऊंचाई 5x बराबर 486। दो से काटेंगे 36 को 18, हाँ 18 गुना 4 तो हो जाएगा 72x प्लस, ये कट जाएगा, 36 को काटेंगे तो 18 मरतबे में कट जाएगा दूसरे, तो 18×5=90x बराबर 486। दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 162, 162x बराबर 486, एक्स बराबर 486/162। अब भागा लगाएंगे इसको, ठीक है ना, कितना से कटेगा ये, 3 से लगाते हैं तो कितना होता है, 3 दुना
6 6 18 और 3 1 3 1 4 कितना मरतबे से कट जाएगा ये 3 मरतबे से। तो एक्स बराबर क्या हुआ 3, एक्स बराबर 3 हुआ तो इसलिए शीर्ष लंबों की लंबाई में लिख देंगे, इसलिए बी ई का मान बी ई बराबर 4x बराबर 4 × 3 चारतिया 12 मीटर और उसके बाद डी एफ, डी एफ क्या माने हैं 5x, 5x बराबर 5 × 3 पाँच तिया पंद्रह मीटर, ये दोनों आंसर हो गया 12 मीटर 15 मीटर। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर का सवाल देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 में क्या कह रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर 15 मीटर तथा 14 मीटर है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है, पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। ऐसा चतुर्भुज है, पहली दो भुजा मतलब ये जो भुजा ऐसे डालते हैं, ठीक है ना, ये सीधा 90 डिग्री पे लाएंगे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम आकृति बना दे रहे हैं। ये दोनों 90 डिग्री पर खड़ा रहेंगे, दोनों भुजा 90 डिग्री, ठीक है, ये इस प्रकार से बना देंगे आकृति। हाँ, ये भी एक चतुर्भुज ही है, यहाँ ए बी सी डी, ए बी और बी सी समकोण पर है, कह रहा 5 मीटर 12 मीटर 15 मीटर 14 मीटर है, तो ये 5 मीटर लिखेंगे, ये 12 मीटर लिखेंगे, ये 15 मीटर लिखेंगे और ये कितना 14 मीटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस पे लंब डाल देना है, लंब डाल देना है, ठीक है। अब हम लोग को इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में चतुर्भुज ए बी सी डी में लिखेंगे ए बी लंब है बी सी पर, ए बी लंब है बी सी पर, ठीक है, और क्या ए बी बराबर 5 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद सी डी बराबर 15 मीटर और ए डी बराबर 14 मीटर, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में कर्ण निकाल लेना है ए सी, समकोण यहाँ पर बना है तो ये ए सी भुजा कर्ण अभी होगा, तो कर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, एसी बराबर रूट अंडर 25 + 144, एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169,
और एसी का मान हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13। तो एसी का मान यहाँ पर पहले लिख देना, ये 13 मीटर हो गया। हाँ, तो एसी निकल गया। तो अब एडीसी का क्षेत्रफल निकालना फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी को लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार बीसी और ऊंचाई ए डी एबी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकल के आएगा 1/2 गुना आधार कितना 12 गुना ये 5, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब जो ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए एक ही है, हिरोन का सूत्र लगाना, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में लिखेंगे ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 14 मीटर और सी बराबर 13 मीटर लिख देंगे। एस निकालेंगे, एस बराबर 15 + 14 + 13/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 × 9 = 9, 3 × 12 = 1, 1 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/2 ये कट जाएगा तो 21 मीटर हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हो जाएगा रूट अंडर एस, एस का मान हो गया 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। हल करेंगे अब इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा एडीसी का 21 गुना 21 में से 15 घटा 6 गुना 21 में से 14 घटा 7 और 21 में से 13 घटा तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको हल करके लिख देना है, 21 को लिखेंगे 3 × 7 = 21 या 3 × 7 = 21, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 7 का खंड 7 ही होगा और 8 का खंड करके लिखेंगे 2 × 2 × 2। हाँ, अब फिर इसको हल करके इसमें से जोड़ा में से एक बाहर निकाल के लिखेंगे, 3 एगो बाहर होगा, हाँ 7 एगो बाहर होगा और 2 दो गो बाहर होगा। तो 7 × 21 = 42 है, 42 × 84, हाँ तो ये 2 × 4 = 12, 12 × 7 = 84 लिख देंगे, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये त्रिभुज एडीसी का ध्यान से देखेंगे, तो ये हुआ एबीसी का पहले क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और फिर एडीसी का क्षेत्रफल हुआ 84 मीटर स्क्वायर। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो ये समूचे एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से लिख दे रहे हैं, अतः एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, हाँ यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज आया है 30 और प्लस ये आया है 84, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 × 4 = 8, 3 = 11, 114 मीटर स्क्वायर इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया, यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्र। ए बी 7 cm, बी सी 12 cm, चलिए एक ही नंबर बता देते हैं, 12 cm, 21 का एक ही नंबर बता दे रहे हैं, 12 cm,
ये दिया है 126, 126 कहीं से सही नहीं है, ठीक है ना। सोलह सीएम देते हैं और एडी 9 सीएम, देखते हैं क्या होता है 16 पे। 126 नहीं होना चाहिए। विकर्ण में कह रहा है डी ए, विकर्ण में कह रहा है डी ए, डी ए विकर्ण, अच्छा डी ए तो 9 सीएम लिखे। विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी मिला देना है, कितना है 15 सीएम। तो पहले यहां पर लिख देना है चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी बराबर 7 सीएम, बी सी बराबर 12 सीएम, सी डी बराबर कितना 16 सीएम, ठीक है, ए डी बराबर 9 सीएम, और इसका क्या विकर्ण, विकर्ण ए सी, ये सभी भुजा हो गया, अविकर्ण ए सी 15 सीएम। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हिरण सूत्र से ही संभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 15, बी बराबर 7 सीएम, सी बराबर 12 सीएम। चलिए उसके बाद एस बराबर निकालेंगे, 15 + 7 + 12 / 2, तो 5 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़िए, 15 + 7 कितना हुआ 22 / 12 / 12 कितना हो जाएगा 22 / 12 = 4 + 3 = 34, 34 / 2 दो से काटेंगे ये 17। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, रूट अंडर 17 × 17 - 15, 17 - 7, 17 - 12। अब इसको हल कर देना है, रूट अंडर 17 × 2, 17 में से 15 गया 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है, हल करेंगे, 17 का खंड नहीं होगा, 17 का 17 लिखा जाएगा, गुना 2 को 2 और 10 को 2 × 5, अगुना कितना, ये हो जाएगा 5, तो 2 निकलेगा और 5 निकलेगा, रूट अंडर 17 रहेगा, तो 5 × 10 √17, 10 √17 हुआ, ठीक है ना, 10 √17 हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, निकालेंगे ये एडीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, यहां पर पुनः लिख देना, पुनः या अगेन त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में लिखेंगे ए बराबर 16, बी बराबर 15 और सी बराबर 9। अब इसका निकालेंगे हम लोग एस, एस बराबर 16 + 15 + 9 / 2।
तो ये हो जाएगा कितना, 25 16 9 25 25 15 25 15 कितना हो जाएगा, 40 40 बट्टे दो काट देंगे 20। अब यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर रूट अंडर 20 इंटू 20 माइनस 16 20 माइनस 15 20 माइनस 9 हल कर देंगे 20 गुना 20 में से 16 गया 4 20 में से 15 गया 5 20 में से 9 गया कितना 11। अब इसको हल कर देंगे 20 को फिर लिखेंगे क्या 4 गुना 5 4 5 20 गुना 4 गुना 5 पेयर मिल गया है, 11 का पेयर होगा ही नहीं तो एक 4 निकलेगा और एक 5 और रूट अंडर कितना रहेगा 11। 4 5 20 रूट 11। तो अब इसमें क्या करना है वो देखिए, तो यहां पर लिखना है एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान है 10√17 प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का मान है 20√11 ठीक है ना। अब इसको हल करके हम लोग को लिखना है ठीक है, तो सबसे पहले हाँ रूट 11 का मान और रूट 17 का मान निकालना है, रूट 11 रूट 17 पहले रूट 17 का मान निकालते हैं वर्गमूल तरीका से भाग विधि, तो ये 17 का जोड़ा हो गया एक साथ का, यहाँ 4 से पहले लगाएंगे 4 चौके 16 यहाँ क्या बचे 4 रूट उतारा जाएगा, उतारा जाएगा ना। अब यहाँ पर एक ये 4 4 8 यहाँ पर अगर दशमलव देंगे तो यहाँ 2 को 0 उतारना होगा, अब फिर भागा लगाएंगे तो कितना से लगेगा 1 मर्तबे से लगेगा, कितना मर्तबे से 1, तो 1 से लगाएंगे तो कितना होगा 81, यहाँ पर 1 नोट करेंगे फिर यहाँ पर घटाएंगे 9 1 19 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 यहाँ पर 8 हाँ तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 2 को 0 उतारेंगे फिर लगाएंगे कितना मर्तबे से लगेगा, देखिए वह गुना करके देखिए 82 को कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है ऐसे 822 गुना 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 8 2 9 16 3 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 से ही लगेगा ठीक है ना, 2 2 9 4 2 2 9 4 8 2 9 16 16 44 होता है ना हाँ, क्या लिख देंगे 16 44। चलिए घटाने की आवश्यकता नहीं है, 2 मर्तबे लगा है बस ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे क्या 10 गुना 4.1 एक ही अंक तक लेते हैं देखते हैं क्या होता है, अच्छा दशमलव में भी आंसर है होगा इसका, आंसर देखिए क्या है 22 का 1 का 95.2। चलिए कोई बात नहीं, इसका दशमलव भी यहाँ नोट कर देते हैं, 4.12 आया है प्लस 20 और रूट 11 का फिर वर्गमूल निकालेंगे, रूट 11
रूट 11 का वर्गमूल, 8 क्लास में पढ़े होंगे वर्गमूल, नहीं पढ़े हैं तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। 8 क्लास में वर्गमूल था ना पढ़ने के लिए। अब लगाइए इसमें कितना मरतबे लगेगा, 11 का जोड़ा हो गया ना एक एक का, कितना मरतबे लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 × 9, एगो 3 यहाँ उतारते हैं, अब घटाइए कितना, 2 × 3 × 3 × 6, यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 × 0 होगा, कितना मरतबे लगेगा देखिए, 3 से लगाते हैं, 4 से लगाते हैं तो ज़्यादा होता है, 3 से लगाते हैं तो कितना होता है, 3 × 9, 6 × 3 = 18, 4 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ 3 देंगे घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा ना जी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 × 0 उतारना है, फिर लगाना है, कितना हो जाएगा यहाँ, 3 × 3 = 6, 6, अब लगाइए कितना मरतबे लगेगा, यहाँ पर लगा 3 मरतबे, अब लगाइए 1 मरतबे लगाइएगा, 1 मरतबे लगाइएगा तो लग जाएगा, 2 मरतबे 6 × 12 हो जाएगा, 1 ही मरतबे लगेगा, 600 कितना हो जाएगा, 61, 661, यहाँ पर मान के चलिए हम 2 से लगा दिए तो कितना होगा, 2 × 2 = 4, सॉरी यहाँ पर 6 होगा ना, एगो 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 1 = 13, 13 × 24 हो जा रहा है ना, तो इसलिए कितना, 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, तो कितना होगा, 661, यहाँ पर 1 मरतबे लगा तो ये 3.31 लिख देना है, चलिए यहाँ पर लिख देना है 20 × 3.31। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 से जब इसमें गुना होगा तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी 41.2 हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें 2 से गुना करेंगे, 1 0 इधर खिसका लेंगे, ठीक है ना, तो 2 से पहले गुना कर लेते हैं, या पॉइंट हटाएंगे, ये मान के चलो ये पॉइंट हटा दिया तो कितना हुआ, 100 हुआ ना जी, 1 0 1 0 कट गया, अब 2 से गुना होगा ना, तो 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 × 3 × 6 × 3 × 6, 1 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा, हाँ 10 नीचे है तो 1 अंक के बाद पॉइंट होगा ना, अब इसको जोड़ दीजिए, अब जोड़िए इसको, कितना होगा, 41.2 और 66.2 4, और ये क्या होगा, 7, 6 × 4 = 10, 107.4, 107.4, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा cm², ठीक है, आंसर आपका नहीं मिला, क्यों, क्योंकि इसमें 126 जो है ना एकदम गलत दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखिए, 107 कितना हुआ, 4, ठीक है, तो ये 21 का एक नंबर जैसे अभी बनाए हैं, ठीक है ना, 21 का 2 नंबर ऐसे ही बनाओगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, सेम टू सेम बनाना है, तो 21 का 2 नंबर आपका होमवर्क रह गया, वो बनाना है, ठीक है।